For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान का फैंडम इंडस्ट्री के बाहर तक सीमित नहीं है। जी हाँ, ये सच है। दबंग खान के फैंस फिल्म फ्रटर्निटी में भी उतने ही हैं और इस कलेक्टिव प्यार और रिस्पेक्ट के चलते ही उन्हें बॉलीवुड का सुल्तान माना जाता है। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान हमने सेक्सी डीवा और सलमान खान की टाइग्रेस कैटरीना कैफ को हमारे दबंग खान के बारे में बात करते सुना। कैट ने इस इंटरव्यू में कहा, सलमान खान हमेशा से ही मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं। वो हमेशा ही मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहेंगे। उनके बिना मेरी जिंदगी काफी डिफिकल्ट होती। उनके बिना मेरी जर्नी काफी डिफिकल्ट होती। अब इस स्टेटमेंट से सलमान की एक्स ने ये साफ दर्शाया है कि उनके मन में आज भी सलमान के लिए काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। और आज कैट के बर्थडे पर इस वीडियो को देखकर हम सबको एक बार फिर उनकी बॉन्डिंग का सबूत मिल ही गया है ना। सलमान खान दबंग 3 में दो दो रोल प्ले करे हैं, ये बात तो मैंने आपको बताई है, लेकिन उनके सेकंड रोल यानी कि फर्स्ट तो चुलबुल पांडे है, जो सेकंड वाला कैरेक्टर है जो कि चुलबुल पांडे ही है, लेकिन अपने जवानी के दिनों में उसमें उनकी लीड एक्ट्रेस कौन बनने वाली है ये मैंने आपको बताया नहीं बताया, इस वीडियो में बताऊंगी। यस, वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। और पहले तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी सेकंड एक्ट्रेस है जो कि सलमान खान की सेकंड लीड बनने वाली है। यस, एनी गेसेस? वेल, बहुत टाइम से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि महेश मांजरेकर की बेटी, बड़ी बेटी जो है वो इस फिल्म से अपना डेब्यू करने वाली है बॉलीवुड में, लेकिन खुद महेश मांजरेकर की जो वाइफ है उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि ऐसे कोई प्लान्स नहीं है, उनकी बड़ी बेटी कोई भी फिल्म में डेब्यू करने के लिए फिलहाल नहीं चाह रही है और वो भी नहीं चाह रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने खुद एक अनाउंसमेंट की, लेकिन 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 अब रिवील हो गया है कि कौन है सलमान की सेकेंड लव इंटरेस्ट और वो है साई मांजरेकर। यस, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं, साई मांजरेकर महेश मांजरेकर की छोटी बेटी है और वो सलमान खान का कॉलेज लाइफ लव इंटरेस्ट प्ले करने वाली है इस फिल्म में। डेफिनेटली बहुत ज्यादा सीन्स तो नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि मेन स्टोरी ऑफकोर्स चुलबुल पांडे और सोनाक्षी सिन्हा यानी रज्जो की है, लेकिन उसके आसपास जो है जो पुरानी कहानी दिखाई जाएगी वहां पर सई और सलमान का रोमांस जरूर देखने को मिलेगा और बहुत एक्साइटिंग होगा। हाल फिलहाल में सलमान खान जो है वो शूट कर रहे हैं महाराष्ट्र के सतारा जिले में, वहां पर फल्टन नाम की एक जगह है, वहां पर शूट करते हुए हाल ही में काफी पिक्चर्स वायरल हुई थी, काफी भीड़ उमड़ गई थी सलमान को देखने के लिए। लेकिन ये तो थी इस बात की गॉसिप कि कौन सलमान की सेकंड लीड बनने वाली है। आप और क्या क्या जानना चाहते हो दबंग के बारे में, वीडियो के नीचे आओ, कॉमेंट सेक्शन आया आपका, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। प्रोफेशनल वाइज बात की जाए, चीट चैट आपका शो भी बहुत ही पॉपुलर रहा, प्रोफेशनल वाइज हर एक चीज़ें अच्छी हो रही है। अब दबंग के लिए महाराष्ट्र में भी शूट किया जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है माहौल, इसके बारे में बताइए। वेल, दबंग की शूटिंग जैसे कि आपको बताया चल रही है, वी आर इन अ वेरी लॉन्ग स्केड्यूल, हमारी ऑलमोस्ट 60% फिल्म खत्म होगी एंड वी आर राइट नाउ ऑल्सो शूटिंग फॉर द फिल्म। होपफुली बाय सेप्टेम्बर एंड वी वुड हैव रैप्ड अप द एंटायर शूटिंग ऑफ द फिल्म एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रिलीज इन दिसंबर एंड आई थिंक वी हैव अनाउंस द डेट ऑल्सो। सो यस, एक्साइटेड, मज़ा आ रहा है, अच्छी बन रही है एंड लोगों के एक्सपेक्ट, मुझसे पूछा कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं फिल्म के बारे में, बोला अच्छी बात है क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस है तो दैट मीन्स लोग उम्मीद करते हैं और उनको पसंद है ये फ्रेंचाइज, उनको ये कैरेक्टर पसंद है, उनको ये मैंने बोला अगर नहीं होते एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा सा मैटर ऐसा लगता कि यार हम बना रहे हैं लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं। सो आई नो इट्स अ वेरी लव्ड फ्रेंचाइज, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म and looking forward to Chulbul Pandey's character and Salman Khan and we are humse jitna ho sak raha hai hum kar rahe hain, we are making an as good as entertainer film that humse ban sakti hai and we have left no stone unturned to give it everything that the film requires and we are quite happy with the film and quite confident ke jab aayegi film logon ko pasand aayegi। हिमेश रेशमिया और सलमान खान की दोस्ती काफी गहरी है, ऐसे में जब उनकी आगामी रोम कॉम हैप्पी हार्डी एंड हीर का टीजर अनवील हुआ तो सलमान खान ने खुद इस टीजर को अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अरे वाह हिमेश,
आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया इस फिल्म में डबल रोल अदा कर रहे हैं और राका के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के साथ ही पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। सोनिया इस फिल्म की लीडिंग लेडी होंगी जिसका नाम होगा हील और हिमेश के कैरेक्टर का नाम हरप्रीत सिंह लांबा यानी कि हैप्पी होगा और दूसरे कैरेक्टर का नाम होगा हर्षवर्धन भट्ट यानी कि हार्डी। इस फिल्म का टीजर पूरी तरह से म्यूजिकल था और इस टीजर को देखकर हम सबको इस फिल्म के जूक बॉक्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा, है ना? कैटरीना कैफ को भारत ने विश किया है हैप्पी बर्थडे। यस, भारत यानी कि भारत ने ही सलमान खान ने। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज ज्योति नाहक। इस वीडियो में मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ जहां पर सलमान खान खुद कैटरीना कैफ को विश करते नजर आ रहे हैं। आज कैटरीना कैफ का जन्मदिन है, हर कोई बी टाउन से, टिंसल टाउन से हर एक्टर कैटरीना कैफ को विश करता हुआ नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर। उनके लिए अच्छे अच्छे मैसेजेस पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कैटरीना जो है वो अपना वेकेशन मना रही है बाहर, इंडिया से बाहर। एंड साथ ही साथ सलमान खान ने बड़ा ही स्वीट सा विश किया है कैटरीना कैफ को, जहां पर उन्होंने एक पिक्चर अपलोड की है जो कि उनकी भारत की पिक्चर लग रही है। ऑफ कोर्स भारत फिल्म जो हाल ही में आई थी, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट पिक्चर साबित हुई, दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। उस फिल्म में एक सीन होगा जहां पर कैटरीना और सलमान स्कूटर पर बैठे हुए नजर आते हैं और कैटरीना, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कैटरीना ने कानों में एक छोटा सा फूल लगाया हुआ है, जिस तरफ एक तरफ सलमान ऐसे कर रहे हैं, एक तरफ कैटरीना ऐसे कर रही है एंड बड़े क्यूट लग रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ एज यूजुअल। और जिस तरीके से सलमान कैटरीना को प्यार करते हैं, जिस तरीके से सलमान कैटरीना की रिस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं हमेशा कि वो बहुत हार्डवर्किंग है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा पैम्पर करके रखते हैं कैटरीना कैफ को, बहुत केयर करते हैं कैटरीना की, यही चीज कैटरीना की तरफ से भी नजर आती है। दोनों बखूबी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती शेयर करते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं और ये चीजें उनकी फिल्मों में भी दिखाई देती हैं। इसीलिए शायद भारत में इतनी सॉलिड केमिस्ट्री थी दोनों की और भारत इस साल की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है डेफिनेटली। यानी लोगों को बहुत पसंद आई है भारत, क्योंकि ऑफ स्क्रीन ही नहीं ऑन स्क्रीन भी ये दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। आपको ये पिक्चर कितनी प्यारी लगी और आप कैटरीना को बर्थडे विशेस देना चाहते हैं या नहीं? वेल, मैं हमारी तरफ से यानी मेरी तरफ से और हमारी मूवीज अड्डा की टीम की तरफ से कैटरीना कैफ को विश करती हूँ अ वेरी हैप्पी बर्थडे ब्यूटिफुल। एंड आप लोग भी अपने विशेस हमारी वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मूवीज अड्डा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। साहो के ट्रेलर लॉन्च के बाद तो इंटरनेट पर कमेंट्स का सैलाब ही आ गया और इस ट्रेलर को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए नेकर्स ने कुछ दिन पहले ही अपनी फिल्म का पहला गाना अनवेल किया जिसका टाइटल है साइको सैया। और अब इसके बाद होने वाला है एक और धमाका, क्योंकि इस फिल्म के गाने की इन्फॉर्मेशन काफी एक्साइटिंग है। एनी सोनी नाम के इस गाने के हिंदी लिरिक्स को गुरु रंधावा ने कंपोज किया है और हिंदी के बोल भी उन्होंने ही गाए हैं। इतना ही नहीं, उनका साथ दे रही हैं टैलेंटेड अदाकारा तुलसी कुमार। हिंदी के अलावा ये गाना 5 अलग अलग भाषाओं में अनवेल होगा और इस गाने के बारे में जानकर हम सब तो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। और आप? दबंग 3 की शूटिंग का अगला स्केड्यूल किक स्टार्ट हो चुका है और इस बार ये स्केड्यूल महाराष्ट्र के फाल्टन इलाके में होगा। जी हाँ, ये स्केड्यूल 10 दिनों तक चलेगा और इसके दौरान सलमान खान और किच्चा सुदीप एक साथ शूटिंग करते नजर आएंगे। फाल्टन के सेट से हम लाए हैं सलमान खान की कुछ तस्वीरें जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ सलमान चुलबुल पांडे के जवानी के दिनों की शूटिंग करेंगे। माय माय, इन पिक्स में तो काफी जवान और हॉट लग रहे हैं हमारे भाईजान। और अब इन पिक्स को देखने के बाद हमें दबंग 3 के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दबंग 3 एक लंबे इंतजार के बाद फ्लॉर्स पर गई और शूटिंग के पहले स्केड्यूल से लेकर ही मेकर्स इस फिल्म को लेकर काफी ओपन रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने सेट्स की कई पिक्स अब तक देख ली हैं, मगर फिर भी इन लेटेस्ट पिक्स ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। और आपका? नीचे दिए कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।